हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में लेके आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फंडा जिसका नाम है AUC, बट बिफोर दैट ROC से रिलेटेड आइडियाज आपकी जो है क्लियर होनी चाहिए, और वो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ भैया। वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है दो पार्ट में, बड़ी ही डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, आंकड़ों के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ ROC को बड़ी ही डिटेल में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पे, मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट को जरा रेफर कीजिए, वहां से पहले ROC के बारे में जो आइडिया है वो समझिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, बिकॉज इट इज अ प्रीरिक्विजिट। अगर आप ROC को नहीं समझेंगे तो AUC तो भैया कतई समझ में नहीं आने वाला है। सो इट्स अ प्रीरिक्विजिट, पहले उसे क्लियर कीजिए और फिर यहां पे आइए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं भैया, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है जो हम यहां इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि हमने वहां पहले सीखी थी और यहां डायरेक्टली अभी उसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहां पे डायग्राम से शुरुआत करते हैं, यहां पे दो टर्म्स आपको दिख रही है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है। दिस इज सिंपली योर रेट। कौन सा रेट भैया? फॉल्स पॉजिटिव रेट, और ये आपका ट्रू पॉजिटिव रेट। और इसी को भैया एक्स और वाई रिस्पेक्टिव एक्सिस पे रख के हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट जो है वो प्लॉट कर रहे हैं। किस केसेस में? अलग अलग थ्रेशोल्ड्स रख रहे हैं भैया, हम अलग अलग थ्रेशोल्ड्स पे है कि नहीं। कभी थ्रेशोल्ड ले लिया जीरो, कभी वन ले लिया, कभी उसके बीच में खेल लिया, कभी 0.5, 0.6, 0.4, 0.35, 0.75, 0.25, बहुत सारे 0.9 है ना, 0.8, बहुत सारे थ्रेशोल्ड पे भैया अपन जो है खेल सकते हैं। अब जैसे आप थ्रेशोल्ड पे खेलते हो तो आपकी दो वैल्यू जनरेट होती है, कैसे होती है उसका जवाब मैंने वीडियोस में दिया हुआ है, सो मेक श्योर कि आप उसे पहले देख ले। अब जैसी वो भैया वैल्यू जनरेट होती है आपकी TPR एंड FPR, तो इट्स लाइक भैया एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ग्राफ पे ही प्लॉट करना है ना, तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू, ये वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू, चलो भैया उसको प्लॉट कर दो। तो हमने देखा था कि जब मेरा T=0 आ गया था तो दिस वॉज द पॉइंट दैट आई गॉट, दैट इज 1,1, बराबर है कि नहीं? आपका FPR भी 1 था और आपका TPR भी 1 था। ऐसे क्लासिफायर किसी काम के नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्योंकि भैया इनका प्रपोर्शन सेम है, जितना आप गलत जा रहे हो उतने प्रपोर्शन में आप सही भी हो, या फिर उसको दूसरी तरह से कहें, जितने प्रपोर्शन में आपको लगता है आप सही काम कर रहे हो उतना ही भैया आप जो हो गलत भी हो। इट्स लाइक दैट, हम लोगों को कहावत नहीं कहते कि भाई साहब तुम जितना जमीन के ऊपर हो ना उतना ही जमीन के नीचे भी हो, यानी कि आप जितना सही दिख रहे हो ना उतने ही गलत भी हो, ऐसा हम इस रिस्पेक्टिव क्लासिफायर को कहते हैं जब उसका रिस्पेक्टिवली हमें ये 1,1 वाला फंडा दिखाई देता है। तो भैया जो अपना ये AUC यानी एरिया अंडर कर्व वाला मामला है, इसको जरा गौर से समझना है, ये हमें क्या बताने का प्रयास कर रहा है। तो AUC की जो वैल्यू है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो भैया वह 0 और 1 के बीच में टहलती रहती है। AUC = 0 का मतलब है कि जो भी मॉडल के प्रिडिक्शंस है वो 100% गलत है, वो कुछ भी सही नहीं बोल रहा है। AUC = 0 का ग्राफ भी अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। AUC = 1 का मतलब क्या होता है? ये दो एक्सट्रीम केसेस है ना। AUC = 1 का मतलब क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर मॉडल जो है वो 100% गलत है, उसने एक भी गलती नहीं की है। और हमारी कोशिश यही होती है कि AUC इस परफेक्शन की तरफ जाए, इस परफेक्शन की तरफ बढ़े, क्योंकि AUC एक तरीके से हमें यही बताने का प्रयास कर रहा है, उसके आंकड़े यही बताने के प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो मॉडल का परफॉर्मेंस है वो कैसा है, वो कितने बढ़िया तरीके से डिस्टिंग्विश कर पा रहा है, सेपरेट कर पा रहा है पॉजिटिव क्लास कौन सा है, नेगेटिव क्लास कौन सा है, कितने बढ़िया ढंग से डिस्टिंग्विश कर पा रहा है। अगर वो बहुत ही बढ़िया ढंग से डिस्टिंग्विश कर पा रहा है तो आपकी AUC की वैल्यू बहुत ही हाई हो सकती है एंड एट मोस्ट 1 तक जा सकती है, जो कि आपका परफेक्ट क्लासिफायर कहलाता है। लेकिन अगर मान लो वो बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, सारी उसकी प्रिडिक्शंस गलत है, तो भैया बहुत ही वर्स्ट, बहुत ही दुखदायक जो कंक्लूजन है, AUC आपका 0 होगा। आप बात समझ पा रहे हैं? अब एक हमने क्या किया था ना पिछले इसमें, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसा यार मैंने होपफुली कुछ इस तरीके से जो है अपना ROC इस तरीके से कनेक्ट किया था, सही बात है कि नहीं? नाउ व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग बाय दिस, ये हमारा ROC कर्व आ गया था। अब AUC इसमें क्या होता है? इट इज सिंपली, जैसा नाम है वैसे ही काम है, एरिया अंडर कर्व। अगर ये आपका ROC कर्व है तो इसके अंडर भैया जो ये एरिया है ना, ये एरिया अंडर द कर्व कहलाता है। अब एरिया अंडर द कर्व का भैया एक तरीके से सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि कल को अगर भाई साहब इंटरव्यूअर आपने को पूछ ले कि भैया AUC = 1, AUC = 0, AUC = 0.5, इसका मतलब क्या होता है बताओ, तो भाई बताना आना चाहिए ना, AUC का सिग्निफिकेंस क्या है वो बताना आना चाहिए, AUC के बेसिस पे हम क्या हमारे रिस्पेक्टिवली कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमें बताना आना चाहिए ना। तो चलो इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं अभी और देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप गौर से देखेंगे, ये आपका AUC 0.5 है, अगर आप गौर से देखेंगे ये आपका AUC 0.5 का ग्राफ है, 0.5, और ये कौन सा है आपका,
रैंडम क्लासिफायर, जितने प्रपोर्शन में भैया वो सही है उतने प्रपोर्शन में गलत है, तो ये आपके ज्यादा काम का नहीं। मैंने पिछले इसमें क्या बताया था, पिछले वीडियो में, कि जितना आप इस डायरेक्शन में जाओगे, जितना आप इस डायरेक्शन में जाओगे उतना फायदे में रहोगे, उतना बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे, यहाँ पे मेरा AUC कितना है, 0.5 है। तो आप जितना इस डायरेक्शन में जाओगे उतना आपका AUC बढ़ता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, देखो जी गौर से देखो, अब देखो ये फंड आपका 0.5 AUC पे आ रहा है, बराबर है, जब मेरा क्या T=0 पे हमने देखा था पिछले वीडियो में, ठीक है, सही बात है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा बढ़ा देता हूँ लेट से, तो अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 0.6 बढ़ गया, AOC बढ़ रहा है। अब ये क्या हो गया जी, ये लेट से 0.75 ले लेते हैं, ठीक है, इसको और बढ़ा देते हैं, ये क्या हो गया 0.9 हो गया। आप बात समझ पा रहे हैं, तो जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में मतलब पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट विच पॉइंट 0.1, इसे क्या कहते हैं, इसे बड़े ही भैया सुंदर रूप से एक शब्द मिला है, परफेक्ट क्लासिफायर। ये पॉइंट आपका परफेक्ट क्लासिफायर पॉइंट होता है, मतलब क्या कि जहां पे आपका FPR 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट देखो, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन भैया वाई कोऑर्डिनेट यानी कि आपका TPR 1 है, यानी कि गलती आप कुछ हो नहीं की हो, सब किए हो तो सही किए हो, आप बात समझ पा रहे हैं। तो इसे कहते हैं परफेक्ट क्लासिफायर, कोई गलती नहीं की इसने। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश तो यही करना है इस डायरेक्शन में, मतलब क्या हमें यही जाना है, जितने परफेक्ट क्लासिफायर के हम नजदीक जाएंगे उतना बेटर हमारा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, बराबर है। और वो किस थ्रेशोल्ड के लिए होगा वो अपन पता लगा सकते हैं बाय सिंपली जस्ट लुकिंग इनटू द ROC लाइन। लेकिन AOC हमें क्या बता रहा है, व्हाट AOC इज ट्राइंग टू टेल यू, कि भैया आपका रिस्पेक्टिवली मान लो दो एल्गोरिथम्स है, ओके, लेट्स से क्लासिफिकेशन के लिए आपने एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक एल्गोरिथम लगा दिया, एक KNN लगा दिया, मान लो KNN लगा दिया, ठीक है। अब ये वाला जो कर्व दिख रहा है आपको 0.6 का जो आपको दिख रहा है ना, जहां पे AUC कितना है भैया उसका 0.6 है, और KNN के लिए आपका जो भैया दिख रहा है AUC कितना है भैया 0.9 है। अब मेरे को बताओ कौन सा रिस्पेक्टिव एल्गोरिथम बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसका AOC ज्यादा वो बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। ये कंक्लूजन जब आपको समझ में आ जाएगा तो भैया बहुत टाइम आपने बचा लिया, समझ लो इस चीज को, बड़ी सिंपल तरीके से बता रहा हूं। जिसका AOC ज्यादा, अब ऑब्वियसली बात है ये ज्यादा है, AOC 0.9 इज ऑब्वियसली एंड लाइक ग्रेटर देन 0.6 है ही, वो है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या कि हमारा जो KNN है वो इस पर्टिकुलर जो भी डेटा हमारे पास अभी फिलहाल तो होगा उस डेटा के हिसाब से KNN अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू भैया लॉजिस्टिक रिग्रेशन। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसका AOC कम है। AOC कम होना मतलब क्या, AOC कम होना मतलब क्या, उसने कम एरिया अपने अंडर जो है कवर कर रखा है, और हमें क्या चाहिए, जितना ज्यादा वो एरिया अंडर कवर करेगा। जैसे कि अगर मैं परफेक्ट क्लासिफायर की अगर बात करता हूं तो ग्राफ कैसे बनेगा जी, हाउ द ग्राफ विल बी देयर, मान लो ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, सही बात है, तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है जी, मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा, दैट्स इट, मेरा सिंपल सा ग्राफ ऐसा बनेगा, दिस थिंग। अब ये क्या हो गया आपका, यहां पे AUC आपका 1 है, यानी कि ये केस, ये वाला जो ग्राफ जब आपको दिख जाएगा तो समझ लेना कि AOC आपका 1 है, एंड 1 कैन बी द हाईएस्ट, 1 जो है आपका हाईएस्ट है, ऑब्वियसली वो 0.9 से भी ग्रेटर है, तो दिस इज द हाईएस्ट, और हम इसे कहेंगे परफेक्ट क्लासिफायर, कि भैया तुम गलती कहीं नहीं कर रहे हो, सब तरफ सही जा रहे हो, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं AOC 0, जो कि एक बहुत ही एक्सट्रीम केस है, ये तो एक अच्छी वाली एक्सट्रीम केस हमने देख ली, अब वर्स्ट टू वर्स्ट आपके साथ क्या हो सकता है, वर्स्ट टू वर्स्ट आपके क्लासिफायर के साथ क्या हो सकता है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो AOC = 0 कैसा दिखाई देगा, नजारा दिखाओ जी, देखो जी AOC = 0 ऐसा दिखाई देगा, दिस इज योर 1, दिस इज योर 0, दिस इज योर 1, ठीक है, तो आपका AOC सिंपली ऐसा दिखाई देगा, दैट्स इट। गौर से देखो मैं लाइन का बना रहा हूं, यही लाइन बनेगी ये देखो जी, आप बात समझ पा रहे, यही पे बनेगी, उसी पे बनेगी, क्योंकि उसमें एरिया कुछ है ही नहीं, इसीलिए AOC 0 है, कोई एरिया ही नहीं, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही चल रहा है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही चल रहा है, कोई एरिया नहीं उसमें, कोई एरिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या, AOC = AUC कहां गया भैया, AOC = 0 तो यहां पे जो है यही वाला फंडा आपको जो है देखने को मिल जाएगा, और ये वर्स्ट है, ये वर्स्ट है, क्योंकि ये तो भैया इससे भी खराब है, यहां तो भी भैया AOC आपका 0.5 था, ये तो और नीचे आ गया, अब ये और नीचे आ गया, तो AOC आपका पूरा खत्म, 0 आ गया, एरिया कुछ है ही नहीं, तो ये आपका सबसे बेकार, सबसे
घटिया वर्स्ट जो भी क्लासिफायर आप कहना चाहो, ये भैया कभी भी दुश्मन के भी भैया सपने में ये ऐसा क्लासिफायर ना बने जिसका AOC 0। आप बात समझ पा रहे हैं? तो जब AOC की वैल्यूज कैसे कंपेयर की जाए, उस हिसाब से कौन सा एल्गोरिथम बेटर है, ये डिसाइड कंक्लूजन पे आया जाए। उसके बाद 1-0 वाला नजारा कैसा दिखता है ग्राफ का, वो भी मैंने आपको दिखाया। होपफुली ये सारे जो पॉइंट्स थे विजुअली आपके सामने मैंने रखे हैं, समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।